उर्मिला जी आप कहाँ रहते हो? यहाँ हैदरपुर में रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लैट रहते हैं, किराए पर रहते हैं? पूरा परिवार? पूरा परिवार, घर पर हम तीन लोग हैं, एक हमारी छोटी लड़की है, हमारे हस्बैंड है। तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, आपका मन मिला है इधर इनसे कैसे आप लोग हस्तांतरण होना, कैसे खाना पीने की व्यवस्था हो रही है? खाना पीना जो कुछ बैंक में पैसा पड़ी थी पहले से, और कुछ गैस थे मोदी जी दे दिया था। हाँ, तो पैसा को निकाल के हम कर रहे थे अपना काम। जैसे कि मैम अभी शराब की दुकानों पर टिकट खोल दी गए हैं और इतनी भीड़ लग रही है, शराब बेचने के ऊपर क्या आपके विचार है कि शराब की टिकट खोलनी चाहिए या नहीं? आपके विचार से नहीं खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। आपका नाम? रविंदर सिंह है, डिप्टी डिविजनल वार्डन ताजगंज। रविंदर जी, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में शराब की ठेके खुले हुए हैं और इतनी भीड़ लगी है, उस पर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग जो है हमारा सिविल डिफेंस का कार्य है, हमारे यहाँ ताजगंज डिविजन है जो बूंदी कटरा से लेकर यहाँ तक आता है, इस पूरे के अंदर हमने अपने 70 अपने वार्डन लगा रखे हैं। और जो हमारे 70 वार्डन है वो अपने ड्यूटी में टाइम देते हैं, जैसे अब 10 से लेके इनके ड्यूटी दे रही है यहाँ पे, और ये सोशल डिस्टेंस बनवा के रखती है। लेकिन आप लोग इतना सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रहे हैं, आप लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो शराब की ठेके के बाहर भीड़ लग रही है, उस तरह का विचार है? अब शराब की ठेके की बात ऐसे है, उसके ऊपर हमारा कोई सहयोग के लिए हमसे कहा नहीं गया, तो वैसे शराब की ठेके कंट्रोल नहीं करते, उसके लिए मैं यही कहूँगा भारत सरकार से कि हर जगह ये सारे मैंने कल देखा था, दिल्ली में बड़ा बुरा हाल है, पंजाब में बड़ा बुरा हाल है, जहाँ देखो सब जगह बुरा हाल है। इसके लिए कंट्रोल करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि एक आदमी को एक टाइम के अंदर 50 या 10 या 20 आदमी को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, और फिर उनको गैप देकर ऐसा ही लगता है कि आप लोग जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो और सोशल डिस्टेंस का पालन करा रहे हैं, वहाँ एक ही बार में खत्म हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि जो हमारा वार्डन लगा हुआ है अपनी जिन के खतरे में डाल के लगा हुआ है, रात दिन कार्य कर रहे हैं, जब भी आवाज़ आती है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से हमको एकदम बुलावा होता है, वो हाथ में ग्लव्स पहन के सैनिटाइजर लेकर और मुंह के ऊपर मास्क बांध कर निकल पड़ता काम के लिए। लेकिन जो हम देखते हैं कि शराब को ठेके में ऐसा जब भीड़ लगी होती है, तो जो हमारी की कार्रवाई जो हमें सोशल डिस्टेंस सब देखा, इसके ऊपर सोचना चाहिए, ऐसे ना हो कि जब कंट्रोल में लगे हुए हैं वो एक दिन में सारा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।